तो दगड़ियो, हम रुद्रपुर से आ गए थे तो काफी थकान वगैरह लग गई थी तो हम सो गए थे। तो अभी हम थोड़ा टहलने आए हैं हॉस्पिटल से, तनाव भरी दुनिया से थोड़ा दूर, और थोड़ा मार्केट में टहलने हैं, थोड़ा काफी थकान वगैरह लग गई थी। तो हम आ रखे हैं हल्द्वानी की सड़कों पे, बाहर आ रखे हैं, थोड़ा घूम लेते हैं। बाहर आके देखा तो पूरा बाजार सुनसान पड़ा है, क्यों कुछ है भी नहीं, दो चार दुकानें खुली हुई हैं तो वैसे। और मैंने अभी एक छोटी सी गाड़ी देखी, माचिस के डब्बे बराबर थी ना बिल्कुल मैं तो एक ऐसे ही देखे रह गया उस गाड़ी को, बड़ी खतरनाक गाड़ी थी। मैंने सोचा उसको उठा के यूं करके जेब में डाल लो, बाइक गुड यार, गाड़ी को बड़े मस्त दिया भाई। अगर बाजार में लेना खरीद तो दोस्तों एक बार मैं जरूर इसका टेस्ट ड्राइव कर लूंगा, मैं उसका खरीदेगा भाई। खरीदना तो हमारी बस की बात नहीं इस टाइम पर, क्योंकि हम काफी तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं हॉस्पिटल में, खरीदने नहीं सोच सकते हैं, लेकिन इतना की टेस्ट ड्राइव जरूर। लेकिन एक चीज है ना, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते ना, एक जौक की तरह, जौक की तरह जो धीरे 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 खून चूसने, खून भी चूसता है और वो जौक खून चूसता है, ये पैसा चूसता है। खासकर भाई लोग प्राइवेट हॉस्पिटल बच के रही, यहाँ पे ना इनके पास डॉक्टर है ना कुछ है, लेकिन तब भी घर ट्रीटमेंट हो जाए। लेकिन हमारे पहली बार प्राइवेट हॉस्पिटल से कभी भी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना है कि साफ सफाई जरूर मिलती है लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता, ट्रीटमेंट बिल्कुल जीरो। तो सावधान, बस इनको बस पैसे से मतलब रहता है, काम से तो कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जो डॉक्टर जिस चीज का होता है उसी चीज के पास जाना चाहिए। अगर जैसे कि हमारे पेशेंट का था टिटनेस का था, तो हमें लगा कि ये पेशेंट ब्रेन से है, तो ब्रेन वाले डॉक्टर के पास है, तो ब्रेन वाला डॉक्टर भी टिटनेस के इलाज कर रहा है, वो भी फोन में देख के आइसक्रीम। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि जितना भी करिए, मतलब जो डॉक्टर जिस चीज के लिए उसी के पास जाए, अन्यथा इधर उधर ना ले जाए, मेरा तो यही सुझाव रहेगा। और थोड़ा हम घूमने के लिए आ रखे हैं मार्केट की तरफ, तो काफी सुनसान भरी मार्केट है हल्द्वानी में। दिन में बिल्कुल चूचा पूपा हो रही थी और शाम को बिल्कुल शांत माहौल है काफी, मतलब ना गाड़ियां चल रही ज्यादा ना कुछ ना कुछ, तो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं।